नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। भाजपा पर भड़के उद्धव ठाकरे, कहा एमवीएस सरकार के पेड़ जमीन पर मजबूती से टिके हुए, इसे गिराना मुश्किल। भारत और नेपाल के बीच अहम मुलाकात, मोदी देवबा ने नेपाल में रुपए भुगतान प्रणाली और ट्रेन सेवाएं शुरू करने के समझौते पर किए हस्ताक्षर। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के बाहर हिंदू सेना ने चिपकाया पोस्टर, एफआईआर हुई दर्ज। वहीं पाकिस्तान सेना प्रमुख ने भारत के साथ सभी विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत का किया आह्वान। बजट सत्र के अंतिम सप्ताह में राज्यसभा में 7 विधेयक किए जाएंगे पेश, 3 लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी। हलाल प्रतिबंध विवाद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सभी एसपी डीसी को सतर्क रहने के दिए निर्देश, 7 गिरफ्तार। वहीं देश भर में गर्मी से लोग हुए बेहाल, अप्रैल का महीना कई राज्यों के लिए होगा बेहद गर्म, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। धधक रहे देश के जंगल, 3 दिन में 16,840 आगजनी की घटनाएं, हजारों हेक्टेयर का जंगली इलाका बर्बाद, रिपोर्ट में खुलासा। तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को मिली वायु श्रेणी की सुरक्षा, जान को लेकर था खतरा। पड़ोसी देश के दर्द पर भारत का मरहम, श्रीलंका के लिए रवाना किया 40,000 टन चावल, खाने का संकट जल्द होगा दूर। वहीं पश्चिमी बंगाल में गश्त के दौरान घायल अवस्था में मिले 2 कंगारू, जांच के लिए टीमें गठित। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम व्यापार समझौता, प्रधानमंत्री मोदी बोले ये हमारे आपसी विश्वास की जीत। सीबीआई ईडी समेत सभी जांच एजेंसियों के लिए एक स्वतंत्र निकाय जरूरी, चीफ जस्टिस रमन्ना का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी के साथ रूस के विदेश मंत्री ने की मुलाकात, यूक्रेन युद्ध के दौरान दोनों के बीच हुई बातचीत। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बच्चों के सवालों पर प्रधानमंत्री मोदी ने रोचक अंदाज में सुझाए समाधान, बोले विश्वास पैदा करें और उसे ताकत बनाएं। सुप्रीम कोर्ट का बयान, भूसे से अनाज अलग करना होगा, ओनर किलिंग हल्के में नहीं ले सकते, यूपी सरकार से मांगा जवाब। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तुर्कमेनिस्तान को बताया महत्वपूर्ण भागीदार देश, यूएनएससी में भारत के समर्थन के लिए कहा धन्यवाद। आर्यन कांड ड्रग्स मामले में बड़ा मोड़, गवाह प्रभाकर सेल की हार्ट अटैक से मौत, जांच के आदेश जारी। भारत को घेरने के लिए ट्रांस हिमालयी रेल परियोजना पर तेजी से काम कर रहा चीन, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हथियारों के लिए दूसरे के भरोसे नहीं रह सकता भारत, बनना होगा आत्मनिर्भर, राजनाथ सिंह का बयान। वहीं भाजपा के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए एक साथ आएंगे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस। मछुआरों को आईएमबीएल पार करने से रोकने के लिए तटरक्षक बल लगाएंगे गश्त। व्हाइट हाउस ने यूएस के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह की भारत यात्रा को बताया सफल, बयान जारी कर कही बड़ी बात। वहीं स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, फ्रिज, हेडफोन समेत कई चीजों को खरीदना हुआ महंगा, कीमतों में हुआ इजाफा। अब आम आदमी पार्टी का मिशन गुजरात, केजरीवाल संग पंजाब के सीएम भगवंत मान करेंगे रोड शो। अमित शाह ने दुग्ध उत्पादकों के लिए विशेष बैंक स्थापित करने के लिए कर्नाटक की पहल की सराहना की। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा एससी एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने से कर्मचारियों में पैदा होगी अशांति। राज्यसभा में बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसान मोर्चे से नाम मिलते ही बना देंगे एमएसपी पर समिति। दुनिया का पहला सुई रहित टीका 67% हुआ असरदार, तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण हुए सार्वजनिक। देश में मौसम का पता लगाने के लिए अरुणाचल के सीमावर्ती इलाकों में बनेंगे 40 स्वचालित मौसम केंद्र।
वहीं दिल्ली में अब महिलाएं चलाएंगी डीटीसी क्लस्टर बसें, शुरू हुआ परीक्षण। 100 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में अनिल देशमुख के अन्य को दिल्ली लाएगी सीबीआई। वहीं पंजाब में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एकीकृत डेटाबेस हुआ लॉन्च। सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में फ्री बिजली के अधिकार प्राइवेट मेंबर बिल को किया पेश। वहीं दिल्ली में लेन ड्राइविंग लागू कराएगी प्रवर्तन दल की टीमें, पालन न करने वालों पर होगी कार्यवाही। महामारी के दौरान अदालतों द्वारा वर्चुअल 1.86 करोड़ मामलों की सुनवाई हुई। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने राज्यसभा में पेश किया विधेयक। वहीं नवरात्र के मौके पर रेल यात्रियों को मिलेगी वर्थ स्पेशल थाली केवल 99 रुपए में। महाराष्ट्र के पुणे की देहू नगर पंचायत में मांसाहार पर पाबंदी, शुद्ध शाकाहारी बनी संत तुकाराम की जन्मस्थली। वहीं द्विपक्षीय संबंधों में मिठास घुलेंगे मोदी और देवबा, प्रधानमंत्री के साथ अहम द्विपक्षीय वार्ता हुई आज। उच्च सदन में भाजपा हुई मजबूत, 1990 के बाद राज्यसभा में पहली बार किसी पार्टी के 100 सांसद, 2014 चुनाव के बाद से लगातार पार्टी की बढ़ रही ताकत। भाजपा में जाएंगे शिवपाल, प्रसपा अध्यक्ष ने दिए राजनीति में बड़े संकेत, पीएम मोदी और सीएम योगी को किया ट्विटर पर फॉलो। गाजियाबाद में दिन दहाड़े लूटा बैंक, नकाब पहनकर पीएनबी में घुसे 4 बदमाश, हथियार के बल पर लूट ले गए 10 लाख रुपए। सीएम योगी ने संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा का किया शुभारंभ, बोले जनता स्वस्थ रहेगी तभी प्रदेश बढ़ेगा आगे। गुजरात में कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, प्रमाण पत्र के लिए महिला ने हाईकोर्ट का किया रुख। दिल्ली नगर निगम एकीकरण की कवायद शुरू, निर्वाचन आयोग ने बंद की चुनाव प्रक्रिया। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ली बैठक, के पंचायतों में खाली पदों पर शीघ्र भर्ती करने का दिया निर्देश। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद अब खुद ऑनलाइन हो जाएगा इंतकाल। वहीं जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के 31 नए मामले आए सामने, 24 घंटों में हुए 28,000 टेस्ट। नशे पर बोले सीएम भगवंत मान, पंजाब में ही बनता है चिट्टा, हम करेंगे आरोपियों को बेनकाब। हरियाणा विजिलेंस में होगी सीबीआई की एंट्री, 4 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर लाएगी सरकार। छत्तीसगढ़ के राव घाट लो अयस्क खनन परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों और पुलिस में हुई झड़प। वहीं गाजियाबाद में 9 दिन मीट की दुकानें बंद रखने का निर्देश, एफएसओ का बुलडोजर वाला बयान हो रहा वायरल। तमिलनाडु वन विभाग हाथियों की मौत की जांच के लिए बुलाएगा जनसभा। वहीं कोरोना के वैश्विक मामलों में वृद्धि, 48.94 करोड़ से ज्यादा हुए केस। प्रधानमंत्री मोदी की भगवा टोपी बनी ट्रेंड सेटर, अब बीजेपी सांसद भी नजर आ रहे पहने। जनवरी से फरवरी तक चीन से वस्तुओं और सेवाओं में आयात निर्यात में हुई 15% की वृद्धि। वहीं जीवाश्म ईंधन के लिए बैंकों ने की लाखों करोड़ रुपए की फंडिंग, पैसा देने में अमेरिकी बैंक सबसे आगे। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के नतीजे घोषित, यूपी पीबी पीबी पोर्टल upppb.gov.in पर कर सकते हैं चेक। ऐसे में दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।